कई बार बहुत एक एवरेज सी जिंदगी जीरे होते हैं जिंदगी जो है वो इतना इजीली और इतना एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कभी नहीं चलती झटके जो हैं वो लगने शुरू हुए जिनकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल एक प्रॉब्लम होती है बर्टाई को और उसकी एक बेनाइन फॉर्म होती है कि आपको चक्कर बहुत आते हैं तो उसके अटैक्स मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन आने लग गए पंजाबी फैमिली से हूँ तो फूड को जो है वो हर तरह से नेगेटिव में भी फूड और पॉजिटिव में भी फूड तो उस चक्कर में तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया बट पर तो उस पर्टिकुलर दिन पे सुबह को मैं बेड से उठने की कोशिश करता रहा बट आई वुड फॉल डाउन अगेन एंड अगेन यू नो और एक इतना सिंपल जो एक्ट होता है कि आप इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप उठेंगे चलेंगे इसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो एवरीडे यू नो वी जस्ट गेट अप एंड जब वो नहीं हुआ तो मैं इतने शौक की स्टेट में चला गया कि अब क्या होगा कि अब तो बिल्कुल ही मर जाना चाहिए खत्म कर लेना चाहिए बिकॉज बेड से नहीं उठ नहीं उठ पा रहा जो इंसान टॉयलेट जा पाएगा कोई काम नहीं कर पाएगा घर से नहीं निकल सकेगा बिल्कुल वॉक पे नहीं जा सकेगा तो अब मेरा होगा क्या नमस्कार सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत और सबसे पहले गुजारिश सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए आज एक बेहद खास शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आप उन्हें रैम पर मॉडलिंग करते हुए देख चुके होंगे बहुत सारे विज्ञापनों में उनकी तस्वीर देख चुके होंगे और उन्हें देख आपको उनकी उम्र का अंदाज़ा भी नहीं होगा दिनेश मोहन जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कभी डिप्रेशन में थे काफ़ी लंबा वक्त मेडिकेशन पर रहे दवाइयाँ लेते रहे और तकरीबन एक साल से भी ज्यादा समय तक वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे लेकिन आज सुपर मॉडल हैं <laughs> बहुत बहुत स्वागत सर थैंक यू सो मच जी बहुत धन्यवाद आपका बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी जी और मैं हमेशा से चाहती थी कि आपसे बात करूं थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला हमारे लिए यू मोस्ट वेलकम सो डिप्रेशन से आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी जी आज आपको देख के कोई कह भी नहीं सकता कि कभी आप बिस्तर पर थे चल नहीं सकते थे बीमार थे राइट वो जिंदगी कैसी थी कैसे उस अंधेरे से खुद को निकाला आ, बहुत मुश्किल था इट बहुत लंबे समय तक वो मेरा फाइट जो है वो चला आ, क्या होता है कि आप कई बार आ, बहुत एक एवरेज सी जिंदगी जी रहे होते हैं रूटीन में जहां मां-बाप ने एडमिशन दिलाई वहां पढ़ने के लिए चले गए जो पेरेंट्स ने गाइड किया कि यहाँ जॉब कर लो अच्छा रहेगा तो वहाँ पे जॉब कर ली वो बहुत ट्रस्टिंग किस्म का मैं हुआ करता था और ज़िंदगी जो है वो इतना इजीली और इतना एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कभी नहीं चलती हम सबको अपने अपने सबक सीखने पड़ते हैं और मेरा वो थोड़ा लेटर एज में यू नो जब मैं सेटल हो गया जॉब करने लगा और ज़िंदगी एक लाइन पे आगे बढ़ रही थी तो वो झटके जो हैं वो लगने शुरू हुए जिनकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल कि लाइफ में ऐसे भी हो सकता है मैंने कभी ऐसे इंसिडेंट्स इस तरह की बातें और ये सब देखा सुना नहीं था मेरे इमीजिएट सर्कल में कोई नहीं था आ, जिनकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउनस आए हों सभी लोग जो है नॉर्मल हैप्पी गो लक्की एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाली लाइफ और जब मेरे साथ ये होने लगा आ, तो यकीन मानिए मुझे बिल्कुल कोई क्लू ही नहीं था कि अब मैं क्या करूं कैसे डील करूं और यू नो हाउ डिप्रेशन इज धीरे-धीरे वो आपको घेरता है और जकड़ता है जब तक आप रियलाइज करते हैं पहले आप सोचते हैं मूड स्विंग्स हैं आज पता नहीं मूड क्यों खराब है आज बड़ा डाउन फील कर रहा हूँ क्या महसूस उस वक्त करते थे सडन कुछ ट्रेजेडी ट्रेजेडी हुई लाइफ में उसके बाद आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए आपको I mean, उस वक्त I process... पता था आपको कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो एक प्रोसेस तो यस yes, एक प्रोसेस तो होता है एक मतलब डिफ़िकल्ट uh, सर्कमस्टांसिस उस ट्रैजडी से पहले भी मुझे फेस करने पड़ रहे थे एक वो होता है ना लास्ट नेल इन दी कॉफिन तो वो उस ट्रैजडी की वजह से हो गया महसूस तो आप देखिए आप मैं जिंदगी में उस स्टेज पे था जिसमें ज़्यादा स्परिचुल थिंकिंग अभी मेरी डेवलप नहीं हुई थी जैसे रूटीन में है कि ठीक है नौकरी कर रहे हैं ये कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं जिंदगी के गुजारा करने में ही सारा ध्यान निकल जाता था तो जीवन मृत्यु हुई ये सब चीज़ें कुछ पता नहीं थी तो जब वो पर्टिकुलर ट्रेजिडी हुई तो एकदम से पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई और समझ नहीं आया कि क्या हो गया तो आप धीरे 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 जो है आप डील नहीं कर पाते सब लोग कहते थे कि वक्त वक्त के साथ यू विल हील वो मेरे को वो सब होता हुआ नज़र आ नहीं रहा था तो एक ऐसे पॉइंट पे मैं पहुंच गया जब आई टोटली गिव अप You know, एकदम से हिम्मत ही हार दी हार्दिक ठीक है मुझे कुछ नहीं करना बस मुझे अकेले छोड़ दो मैं घर में ही रहूँगा मैंने कहीं जाना नहीं कोई दोस्त नहीं पहले ही मैं ज़्यादा सोशल नहीं था आई नेवर हैड अ लार्ज सर्कल ऑफ़ फ्रेंड्स यू नो वेरी सिलेक्टिव तो एकदम से फिर वो सारा कुछ हिट कर गया और आ, फीलिंग तो ऐसे हुई मुझे इनफैक्ट अगर मैं अब याद करूँ कि जैसे आप एक कुएँ के अंदर जो है स्पायरल करके गिर रहे हो जिसका कोई बॉटम ही नहीं है एवरी डे एवरी नाइट वाज जस्ट द सेम मतलब किसी भी दिन में कोई नयापन मूड uh, के अंदर कोई तब्दीली रूटीन में कोई तब्दीली वो सब बिल्कुल हो ही नहीं पाया और बहुत साल तक लंबा ये ऑफ कोर्स फिर ट्रीटमेंट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं फैमिली वाले पीछे पड़ जाते हैं कितने साल लग गए थे वो सब ये इल्म कैसे हुआ कि ये डिप्रेशन है जी भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं किसको दिखाऊं क्योंकि घर वाले जो हैं वो सबके पास सिंपती होती है मगर इतना समय क्योंकि सब अपने जीवन में अपनी स्ट्रगल में है। थे थॉट्स कैसे आते उस वक्त मन में देखिए मोस्टली तो आई वाज सुसाइडल कि ठीक है ये सब खत्म ही कर लें तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी और डार्क थॉट्स डार्क थॉट्स अगर मैं बिस्तर से लग गया अगर मैं उठ ना पाया अगर ये हो गया अगर वो हो गया यू you नो know, अगर कभी बाहर निकलता भी था एंड दीज आर वेरी पर्सनल थिंग्स Uh, कोई गाड़ी जा रही है तो उसके नंबर को कैलकुलेट करके एडअप करता रहता था कि अगर ये आठ तक आया तो मेरे साथ अच्छा होगा आठ से ऊपर गया तो मेरे साथ बुरा मतलब एक ऑब्सेसिव थॉट जो है दिमाग में कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना अपनी प्रॉब्लम में वो आप समझना नहीं चाहते और आप सर्कमस्टांसिस को दूसरों को हालात को इन चीज़ों को ब्लेम करते रहते हो तो वो जब तक एक्सटर्नल करता रहा मैं इंटरनलाइज नहीं कर पाया कि हो सकता है इससे मैं डील ना कर रहा हूँ तब तक दिक्कत रही तो ऐसे ही फिर दिमाग में आया कि प्रोफेशनल हेल्प ली जाए क्योंकि नींद आनी बंद हो गई दिन में सोते रहना और तो आई सॉट प्रोफेशनल हेल्प जिससे फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी थोड़ा हुआ क्योंकि दवाइयों पे बहुत डिपेंडेंस हो गई

खाता रहता था हमेशा सेल्फ़ डिस्ट्रक्टिव था पंजाबी फैमिली से हूँ तो फूड को जो है वो हर तरह से नेगेटिव में भी फूड और पॉजिटिव में भी फूड तो उस चक्कर में तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ऐसे ही एक दिन आई रिमेम्बर दिस इज़ अराउंड शायद टू या नाइन की बात है काफ़ी साल मुझे जूझते हुए हो गए थे बट पर्त उस पर्टिकुलर दिन पे सुबह को मैं बेड से उठने की कोशिश करता रहा बट आई वुड फॉल डाउन अगेन एंड अगेन यू नो और एक इतना सिंपल जो एक्ट होता है कि आप इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप उठेंगे चलेंगे इसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो एवरी डे यू नो वे जस्ट गेट अप एंड जब वो नहीं हुआ तो मैं इतने शौक की स्टेट में चला गया कि अब क्या होगा कि अब तो बिल्कुल ही मर जाना चाहिए खत्म कर लेना चाहिए बिकॉज बेड से नहीं उठ पा रहा जो इंसान टॉयलेट नहीं जा पाएगा कोई काम नहीं कर पाएगा घर से नहीं निकल सकेगा बिल्कुल वॉक पे नहीं जा सकेगा तो अब मेरा होगा क्या तो बस वो वो वाली दिक्कत आ, मतलब पता लगा बाद में कि लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस हो गया है कि ब्रेन आपका जो सिग्नल देता है बॉडी को बॉडी उसको पिक नहीं करती अगर पिक करती है तो वो गलत पिक करती है इफ योर ब्रेन वॉक तो यू बॉडी से तो इस तरह की दिक्कत मतलब आपको लगता है कि आपकी उस हालत के लिए आप खुद जिम्मेवार थे देखिये स्टेटस की मैं बात कर रही हूँ जी आई आई टू सी मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ वेन आई डाउन जब ठीक होने के बाद मैंने ब्रेक डाउन किया तो मुझे कुछ चीजें समझ आई कि हाँ हालात खराब थे बहुत खराब थे इसमें कोई शक नहीं आई हेड एन एक्सेप्शनल स्टोरी मगर उन हालात से डील करने का जो मेरा तरीका था वो भी बहुत गलत था यू नो वट एवर चॉइस आई मेड उन नेगेटिव सरकमस्टिस के आगे वो बहुत सेल्फ डिफीटिंग थी भाग जाना एक सिचुएशन से उसको फेस ना करना अपनी सफाई ना देना बिल्कुल भी अपने लिए कोशिश ना करना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट ना करना अगर मेरे बारे में एक ओपिनियन बनाया जा रहा है तो मेरा दिमाग तब ये चॉइस लेता था कि जस्ट वॉक अवे अब बहुत से लोग इसको बहुत अच्छा कहेंगे मगर मेरे लिए वो इतना डिफीटेस्ट होता गया बिकॉज एक ऐसे पॉइंट पे था वेयर आई नीडेड टू तो स्पीक अबाउट माई कि ओके आप जो कह रहे हो वो गलत है मगर वो सुन सुन के सुन सुन के सब कुछ इंटरनलाइज होता रहा और अंदर से कहीं से मेरा खुद ही उनके ऊपर फेत हो गया कि ओके गंदा आदमी तो गंदा आदमी यू गिव अप टोटली तो वो वाली सिचुएशन थी तो दोनों का इक्वल सरकमस्टांसेस एंड माय रिस्पॉन्सेस दोनों ही गलत थे अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी बदल गई अचानक तो देखिए तो तूफानी आते हैं और बुचाली आते हैं अचानक कुछ नहीं होता लाइफ में एक आपका मेंटल स्टेट जो है वो बिल्ट अप हो रहा होता है आप धीरे धीरे एक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होते हो बिना रिकग्नाइज किए हुए तो मेरी फैमिली मे, मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वो बहुत इनकरेजिंग है अभी तक तो वो छोटी छोटी चीज़ें करते रहते थे जिससे मुझे लगे कि नहीं जैसे कोई मुझे मैगजीन्स का या बुक्स का बहुत शौक़ था तो दे वुड गेट मी आ लॉट ऑफ बुक्स कि शायद किताबें पढ़ने से इसका दिमाग बदल जाए टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था और बेड पे तो था ही तो दे वुड ऑलवेज मेक श्योर कि इसकी पसंद के प्रोग्राम जो हैं वो आ रहे हों या वही चैनल्स लगाए जाएँ तो एक माहौल उन्होंने इस तरह का क्रिएट किया हुआ था मगर जब उन्होंने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल प्यार से तो मान ही नहीं रहा तो फिर थोड़ा सा उन्होंने प्यार से मेरा कान मरोड़ना भी शुरू किया एंड आई यार तू खुद से तो हारा ही दैट्स ऑल राइट ओके फाइन लग गया बैट से रिकनसाइड ठीक है सिंपथी जोन के अंदर रोने धोने में चल रही है जिंदगी मगर इन लोगों का क्या कसूर है जो तुझे लुक आफ्टर कर रहे हैं इनको कितना उनके चेहरे पे उनकी डिफीट साफ दिखाई देती थी मुझे कि हार रहे हैं वो तो मुझे लगता था कि नहीं यार ये ऐसे मतलब दे आर लाइक एंजल्स इन माई लाइफ आई नॉट सी दैम यू नो बींग डिफीटेड तो बस ऐसे ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे एक दिन बहुत समझाया ऑफिस से छुट्टी लेके और टाइम स्पेंड किया मुझे डांटा भी और प्यार से भी समझाया और जब वो रूम से मेरे गया तो फिर आई गेव इट अ वेरी सीरियस थाट कि यार क्या है पंजाबीच कहते हैं या हरियाणी कहते हैं या बाबा रेल में या जेल में लाश की तरह तो मैं था ही और अगर मैं उठूंगा चलूंगा गिर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोबारा से बेड पे लग जाऊंगा बट आई शुड ट्राई तो फिर अचानक मन में आया कि मुझे एक कोशिश बिल्कौन. करनी है मन में तो क्या आपको मैं बताऊं ऐसे आया जैसे मतलब एक वो स्पार्क नॉट स्पार्क एक फ्रेंजी फ्रेंजी फ्रेंजी, हुँ। फ्रेंजी हुँ। दिमाग में एक वो जुनून होता है ना जो हद से ज्यादा कि ठीक है मैं प्रूव कर दूंगा ठीक है आई विल प्रूव इट नाउ उस ठान लिया बिल्कुल ठान लिया और बड़ी दिक्कतें आई हाँ, फिर, बहुत हाँ, हाँ। चैलेंज <laughs> क्या उस किया उसके अरे बड़े बड़े मतलब अजीब क्योंकि आप दुनिया से जीत सकते हो आप खुद से नहीं जीत सकते वो सबसे टफ है तो ऐसे चलना स्टार्ट किया जैसे छोटा बच्चा रीलर्न करता है आ, दोनों टांगे जो है वो बड़े एक दूसरे से फासले पे रख के कि गिर ना जाऊं उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो गई जमीन को पकड़ने के चक्कर में और एक छोटे बच्चे की तरह यू नो लिटरली बेबी स्टेप्स आई स्टार्टेड वॉकिंग अगेन और कहीं भी गाड़ी रुकवा देता था अगर गाड़ी में जा रहे होते थे कि आप लोग जाओ मैं पैदल आऊंगा और मुझे घंटों लग जाते थे एक एक किलोमीटर का फासला निकालने में तो इस तरह से स्ट्रगल करके दुनिया एंजॉय कर रही है सब अगर कहीं जा रहे हैं और मैं इसी स्ट्रगल में हूँ कि ठीक से चलना है ठीक से चलना है आज एक भी स्टेप मिस नहीं होना एंड आई रिमेम्बर जब मैं थोड़ा एक्टिव हो गया था मैं मेरे ब्रदर कहीं बाहर पोस्टेड थे तो मैं उनके पास गया एंड uh, फ्लाइट वापस ली मैंने तो व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट आई वॉज शॉक टू सी के वहाँ पे बसेज नहीं हैं जो आपको uh, लेके जाती हैं एरोप्लेन तक और उन्होंने कहा कि इतना फासला आपको चल के जाना है और माई हार्ट वॉज सिंकिंग रात का टाइम था बारिश हो रही थी कि आज तो तू मरा ही मरा आज आज तो पहुंचेगा ही नहीं तू एरोप्लेन तक इतना बुरा हाल था उस वक्त कितना वेट था आपका वेट मेरा लॉस होना शुरू हो गया था बट आई वॉज स्टिल अब हंड्रेड और मैं लगा हुआ था हाँ जी सो से ऊपर बट मैंने ठानी हुई थी कि ठीक है मैंने सबको बाकी के जो एक पेरिफेरल रिश्तेदार होते हैं भाई भाभी सबको कह दिया था मैं ठीक हो रहा हूँ मैं ठीक हो रहा हूँ तो सबके घरों में जाना शुरू कर दिया अगर कोई कहता है वॉक पे चलो तो मैं वॉक पे और वॉक पे जाने से पहले आधा आधा घंटा प्रेयर करता था बाथरूम में जाके कि यार ये वाली वॉक मेरी सही निकलवा देना कितना वक्त तो आपने काउंसलिंग ली थी और आ... कितनी मदद की आपको किसी साइका ने या साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग में मैंने अराउंड टू एंड हाफ ईयर्स थ्री ईयर्स तक काउंसलिंग ली रेगुलरली और बात करके तो बहुत अच्छा लगता था बहुत लाइट फील करते थे आपको एक नया ओपिनियन एक प्रोफेशनल ओपिनियन वो लोग यही समझाते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाओगे ठीक मगर जो मुझे बीच में ठीक नहीं लगी चीज़ वो था डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन जो क्रिएट हो गई थी बिकॉज मैं ओवर डिपेंडेंट था हर चीज में दूसरों पर तो दवाइयाँ बहुत जैसे अगर उन्होंने बोला है एक गोली तो मैं तीन खा लेता था कि ठीक है यार इससे जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो उनके साइड इफेक्ट्स और वो नहीं सब स्किन प्रॉब्लम्स बहुत हो गई I I dev, developed some chronic skin illnesses which are still there, uh, fight realized लोग हैं फिर फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा बन गया था और इसलिए फिर मैंने आई यू नो स्टॉप गोइंग फॉर ठीक होने के बाद मॉडल कैसे एक्टर कैसे बन गए <laughs> भी, हाँ, भी मतलब अभी अभी तो सारी दुनिया को ही पता है कि जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थे गुड़गांव में और उनके फादर उस एजेंसी से अटैच थे और मुझे नहीं पता था उसने एक दिन बोला कि सर ऐसे भाग के सीढ़ियां चढ़ के आ रहे थे आप मैंने आपको देखा आप तो एकदम यंग लड़के लगते हो uh, आप एंड ऑल उस वक्त कितनी उम्र थी दिस इजन इन टू थाउजेंड फिफ्टीन का तो मैंने कहा यार ऐसे मजाक मत करो चढ़ाया है तो ठीक है हिम्मत है कर लेता हूँ ही सट के नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ आप जिस तरह से अब दिखाई देने लग गए हो मेरे फादर जो हैं एक एजेंसी में हैं इन्वॉल्व हैं पार्ट टाइम मॉडलिंग एजेंसी में दिल्ली में तो आप बोलो तो मैं उनको बोल दूँ आपकी पिक्स और वीडियोज़ मैंने कहा ठीक है बोल के देख ले बट मुझे पता है कि होना कुछ है नहीं क्योंकि यू नो जिस लाइन का आपको पता ही नहीं होता आपने कभी सोचा नहीं होता Uh, मैं इतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे तो मैंने कोई एग्जांपल्स भी नहीं देखी थी कि मेरी एज ग्रुप में मैं किसी को देखूं सक्सेसफुल होते हुए और ये और वो तो आई डेंट बट वो एजेंसी से कॉल आ गया मेरी सिस्टर ने भी उनको कांटेक्ट पहले ही कर लिया था क्योंकि उनका अखबार में ऐड था और बस वहां से फिर ये जर्नी जो है ऑडिशन करके और ये स्टार्ट हो गया आप एक सक्सेसफुल मॉडल हैं जनरली यही होता है, <laughs> है कि अट्ठावन और साठ की पहुंचे नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आप रेस्ट मोड में चले जाते हैं सभी लोग, लोग। ज़्यादातर तो उनकी, उनको आप क्या कहना चाहोगे जो कहते तो हैं हो हो गलत नहीं है इसलिए गलत नहीं है साठ पे या पैंसठ पे, पे, पे रिटायर होके और फिर नेचुरली मन करता है कि अब बहुत काम कर लिया चलो अब रेस्ट करो पेंशन है या नहीं है आप फाइनेंशियली बेटर हो गए होते हो बच्चे सेटल हो गए होते मगर मेरे केस में ऐसा हुआ ही नहीं मैं तो तो मेरा दिमाग जो है वो जितना लूज किया था मैंने मुझे लगा कि यार उस और अभी तक आप यकीन मानिए मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ मैंने 45 की एज पे रिटायरमेंट लिया था जबरदस्ती hmm. 58 पे रिटायर होना था तो अभी मुझे इस लाइन में जो है वो नहीं। हुए इसमें तो रिटायरमेंट है मुझे है लगता नहीं। है कि कम से कम अभी आग, एग्जाम्पल से और ये, मुझे बाद में समझ आया, ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आप किसी भी एज पे किसी भी फील्ड में किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक के और लोग जो है वो ट्राई करें फिटनेस का राज क्या है आपकी उम्र तक आते आते घुटने बदलवाने तक की भी कईयों को नौबत आ जाती है जी नहीं मुझे भी वो सब दिक्कतें होती हैं बैक पेन है घुटनों में पेन है बट मैं उनको उनको ज्यादा ध्यान रखता हूँ जरूर अपनी लिमिट मुझे पता है कि मेरे को कितना एक्सरसाइज करना है कितना स्ट्रेस डालना है बट उसको मैं डोमिनेट नहीं करने देता अपने दिमाग पे और मैं अपनी डाइट का क्योंकि मुझे बहुत पहले समझ आ गया था कि डाइट जो है वो 80 परसेंट हिस्सा है आपकी फिटनेस का एक्टिविटी जो है वो 20-25 परसेंट तो डाइट जो है वो बहुत हॉलिस्टिक खाता हूँ मैं फैट फ्री डाइट खाता हूँ शुगर फ्री डाइट खाता हूँ बाहर से कुछ नहीं खाता कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता अब आप कहोगे कि कुछ खाता भी है नहीं खाता तो जितनी हेल्दी ऑप्शन हैं फ्रूट्स जो हैं जैसे एप्पल हो गया इवन बनानास वो सब मैं बहुत खाता हूँ सैलड्स बहुत खाता हूँ और ओट्स बहुत पसंद करता हूँ ओट्स की बहुत डिशेस मैं बना भी लेता हूँ मैंने एक चैनल पे सिखाया भी है ओट्स की डिशेस बनाना तो हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफ जो है हेल्थ इज वेल्थ वो लोग जो आई उम्र दराज हैं 60 से ऊपर हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें और एक और मैसेज जो बहुत जरूरी है डिप्रेशन से जो लोग जूझ रहे हैं जी उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें किस तरह से वो खुद को डिप्रेशन से निकालें देखिए यार डिप्रेशन के लिए पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन जो है इसमें

I am number one for myself, क्योंकि अपने साथ ही आखिरी सांस तक रहना है बाकी सबने एवरी रिलेशनशिप लोग जीते जी या मर के आपको छोड़ जाते हैं जीते जी छोड़ जाते हैं बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं मर के छोड़ जाते हैं तो मुझे अपना साथ जो है वो आखिरी सांस तक देना है तो जब वो पॉजिटिव एक सेल्फ लव मेरे अंदर आया वहां से थिंग स्टार्टेड इंप्रूविंग तो बात कीजिए खुद से बात कीजिए दूसरों से बात कीजिए आ, लोगों को आपको गलत प्रूफ मत करने दीजिए अपनी सफाई जरूर दीजिए कि मैं ऐसा इंसान हूँ और आप जो कह रहे हो वो गलत साइकोलॉजिस्ट या से मदद लेना आपको लगता है आ, वेरी नेसेसरी बिल, बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है झिझक नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए एक जो स्टिग्मा है जो लगा देते हैं जो मेरे ऊपर भी लगा बहुत से रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया कि पागल हो गया है क्या कहते हैं पता नहीं माइंड को कुछ हो गया है स्कैंड ऑल दैट उस उन सब बातों में मत पड़िए दीज दीज आर आर वेरी नॉर्मल थिंग्स मेडिकल जैसे और हैं बुखार होता है तो दवाई लेते हैं इसी तरह से दिमाग में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो आप सलाह लेते हैं खुद पे काम करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी अगर है। कुछ लग रहा है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है तो। जी और जी। खुद पे काम करके जी एक्टली exactly. किडनी में स्टोन हो जाए तो आप रेकग्नाइज करते हो जाते हो आप अपने दिमाग को जो है वो अपने शरीर का हिस्सा क्यों नहीं मानते आप ये क्यों कहते हो यार मेरा दिमाग तो यार पता नहीं मेरे काबू में ही नहीं है तो बाकी सारे अंग जो है वो काबू में कैसे हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं ना तो इसी तरह से दिमाग को भी आदत डालिए सोच है ऑटोमेटिकली इस इस, काम करे उससे डाइवर्ट ना हो और जो आपकी उम्र के लोग है उनके लिए कुछ टिप्स या <laughs> बिल्कुल up, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है किसी की बातों में मत आइए चाहे आपके बच्चे हों चाहे स्पाउस हो चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो सोसाइटी वाले हों जो मन करता है कीजिए देखिए मैं आप मेरे को देखिए मैं कितना क्योंकि जैसे अच्छा लगता है मैं करता हूँ मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करता दुनिया क्या कहेगी एंड आप अपनी पैशन को एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो शुक्रिया दिनेश भोहन जी हमारे साथ अपनी जिंदगी का तजुर्बा साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए